गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्सफोर्स न्यू। तो गाइस, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप किस तरह से एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके आप किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने ऑलरेडी देख चुका है कि आप किस तरह से एपेक्स का यूज़ करके कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट या अपडेट कर सकते हैं अपने सेल्सफोर्स डेटाबेस में। बट गाइस, रिमेनिंग जो हमारे चार डीएमएल मेथड्स बचे हुए हैं, मीन्स अपसर्ट, डिलीट, अनडिलीट एंड मर्ज, तो गाइज आज वो चार डीएमएल ऑपरेशन हम देखने वाले हैं कि आप किस तरह से वो पर्टिकुलर अपने एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी एलडब्ल्यूसी पे एक ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है। अगर आपको एलडब्ल्यूसी सीखना है एज अ बिगनर, तो आप जाके इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, मैंने ऑलरेडी अपने एपेक्स की सीरीज जो अभी ऑन गोइंग चल रही है उससे भी मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है। तो इन दोनों प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसे शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो गाइस, जो सबसे पहला वाला डीएमएल ऑपरेशन है, डीएमएल स्टेटमेंट है, वो है अपसर्ट। तो गाइस, अपसर्ट का मतलब क्या होता है? तो गाइस, बेसिकली अपसर्ट जो ऑपरेशन होता है वो या तो आपको पर्टिकुलर रिकॉर्ड को इंसर्ट करने में हेल्प करेगा, या फिर वो अब उसी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करने में हेल्प करेगा। मीन्स ये आपका जो अपसर्ट वाला मेथड है, ये इंसर्ट प्लस अपडेट दोनों मेथड का कॉम्बो है। अब वो एग्जीक्यूट कैसे होता है उसको समझने के लिए आपको मुझे एक एग्जाम्पल शो करना पड़ेगा। तो गाइस, फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ अपने सेल्सफोर्स सॉल्व पे। तो आप देख सकते हो कि अभी के लिए मेरे पास एक अकाउंट है, अकाउंट रिकॉर्ड है, मीन्स जिसका अकाउंट नेम है सेल्सफोर्स टू, राइट? तो हम अभी चलते हैं अपने डेवलपर कंसोल पे और हम चेकेंगे कि किस तरह से अपसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा जो सीनियर रहेगा, वो सीनियर ऐसा रहेगा कि आप ये जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है सेल्सफोर्स न्यू जो रिकॉर्ड है उसका ये फोन फील्ड अपडेट करवाएंगे अपसर्ट मेथड यूज़ करके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक नेम अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज एक न्यू अकाउंट रिकॉर्ड भी इंसर्ट करवाएंगे किससे? अपसर्ट स्टेटमेंट यूज़ करके। गाइज आई नो आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, बट टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली चलते हैं इसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपको धीरे धीरे वीडियो में सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम चलते हैं अपने डेवलपर कंसोल पे। सो गाइस, कुछ इस तरह से आपका डेवलपर कंसोल ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको सिंपली चलना है अपना क्लास सर्च करना है। तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक क्लास बना रखा था एपेक्स डीएमएल क्लास नाम से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चलूँ एपेक्स डीएमएल मेथड डेमो, ओके, तो आप देख सकते हो गाइस मैंने ऑलरेडी एक क्लास बना रखा है। बट गाइस, अगर आपको नहीं पता है कि क्लास किस तरह से बनाना है, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली फाइल पर जाना है, देन न्यू पे क्लिक करना है, देन एपेक्स क्लास सेलेक्ट करना है। एंड आपका यहाँ पे एपेक्स क्लास का नाम आप जो भी मैंशन करना चाहते हो आप यहाँ पे मैंशन कर सकते हो, एंड आपका क्लास रेडी हो जाएगा। गाइस, हमने ऑलरेडी देख रखा है था कि ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख रखे हैं कि आप किस तरह से कोई रिकॉर्ड अपडेट करवा सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रिलेटेड ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड अपडेट कर सकती है, ये सब हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो एक काम करता हूँ गाइस, इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, राइट? तो गाइस, हमने अपने प्रीवियस जो मेथड्स हमने लिखे थे प्रीवियस वीडियो में वो हमने कमेंट डाउन कर दिया। आप सिंपली चलते हैं अपना न्यू मेथड क्रिएट करते हैं, किस लिए? अपसर्ट ऑपरेशन के लिए। तो न्यू मेथड कैसे क्रिएट होगा गाइस? सिंपली पब्लिक स्टैटिक वॉइड अपसर्ट डीएमएल। तो गाइज, ये हमारा एक मेथड क्रिएट हो गया, किस नाम से? अपसर्ट डीएमएल नाम से। तो गाइज, सिंपली हमें क्या करना है, हम सिंपली चलते हैं दो सीनेरियो देखने वाले हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम एक रिकॉर्ड क्रिएट करवाएंगे, एंड सेकेंड हम क्या करेंगे, एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के फील्ड को अपडेट करवाएंगे। दोनों किसके हेल्प से करेंगे गाइज? अपसर्ट मेथड की हेल्प से। तो सिंपली चलते हैं, हमें दो अकाउंट रिकॉर्ड पे ऑपरेशन करना है, राइट? सबसे पहले चलते हैं एक न्यू लिस्ट क्रिएट करते हैं अकाउंट टाइप का, जो कि एम्प्टी लिस्ट रहेगा। तो सिंपली चलते हैं अकाउंट लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट। तो गाइज, इस तरह से करते हैं, आपने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लिया जो कि किस टाइप का है? अकाउंट टाइप का। मीन्स इस लिस्ट में आप सिर्फ अकाउंट ऑब्जेक्ट टाइप का ही डेटा, अकाउंट एस ऑब्जेक्ट टाइप का ही डेटा इंसर्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो गाइज, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड हम चलते हैं। तो गाइज, सेकंड हम चलते हैं, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक अकाउंट का रिकॉर्ड क्रिएट करवाना, राइट? तो गाइज, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था कि आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज, सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जिस भी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट करना है एपेक्स के थ्रू, आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, मीन्स उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपली चलते हैं अकाउंट, देन हम सिंपली मैंशन करेंगे अकाउंट ऑब्जेक्ट वन इक्वल्स टू न्यू अकाउंट। गाइज, इस तरह से आपने अकाउंट एस ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, बोले तो इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। आपको सिंपली आपको जो भी नाम से वो अकाउंट क्रिएट करना है, वो अकाउंट की रिकॉर्ड क्रिएट करनी है, तो आप इस पर्टिकुलर रेफरेंस के थ्रू उसके सारे फील्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह से? सिंपली अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड सिंपली आप पेस्ट करता हूँ, एंड अगर मैं डॉट ऑपरेटर यूज़ करूँ, तो आप देख सकते हो गाइज अकाउंट ऑब्जेक्ट में जितने भी फील्ड्स हैं वो सारे फील्ड्स के रेफरेंस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। सिंपली मैं चलता हूँ, हमें नेम फील्ड चाहिए, तो नेम फील्ड में हमें सिंपली क्या करना है, मैं एक अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ जिसका नाम होगा एस एफ नू। तो अगर मैं चलूँ, सिंपली हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एस एफ नूब नाम का कोई अकाउंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। सिंपली चलते हैं एस एफ नूब में,
यहाँ पे सर्च करते हैं एस एफ एंड यहाँ पे सिंपली सर्च करते हैं एस एफ न्यू। तो गाइस आप देख सकते हो एस एफ न्यू नाम का हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है, तो हम सिंपली चलते हैं यहाँ पे एक एस एफ न्यू नाम का अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट अकाउंट हो चुका है, मीन्स हमने फर्स्ट अकाउंट के रिकॉर्ड के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया एंड उसमें नेम फील्ड में वैल्यू मैंशन कर दिया। हम सिंपली चलते हैं एग्जिस्टिंग अकाउंट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल का अगर मैं चलूँ अकाउंट ऑब्जेक्ट पर, तो आप देख सकते हो ऑलरेडी हमारे पास एक एस ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड है, मीन्स अकाउंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड है सेल्सफोर्स रूम नाम से। अब मैं चाहता हूँ कि इस जो अकाउंट का रिकॉर्ड है, इस अकाउंट के रिकॉर्ड का जो फोन फील्ड है, इसकी वैल्यू अपडेट हो जाए। तो सिंपली उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, इसके लिए मुझे क्वेरी रन करनी पड़ेगी। सिंपली अकाउंट देन अकाउंट ऑब्जेक्ट टू देन इसके अंदर हमें एस ओ क्यू एल क्वेरी रन करनी पड़ेगी। तो वैसे बिल्कुल टेंशन मत लेना, एस ओ क्यू एल पर मैं नेक्स्ट लेक्चर लाने वाला हूँ एकदम टेस्ट में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे उस वीडियो में। तो वैसे सिंपली सिलेक्ट आई डी नेम, हमें सिर्फ ये दो फील्ड चाहिए, फ्रॉम अकाउंट देन हमें वेयर कंडीशन यूज़ करना है, वेयर हमारा नाम वेयर आई डी इक्वल्स टू ये वाली आई डी पास करनी है। या तो गाइज आप कर सकते हो वेयर नेम इक्वल्स टू सेल्सफोर्स नो, बट गाइज जो बेस्ट प्रैक्टिस होता है वो हमेशा रिकॉर्ड आई डी पास करनी चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड आई डी हर पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए यूनिक होता है, बट आपका नेम डुप्लीकेट हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी के लिए स्टैटिक आई डी पास कर रहा हूँ उस रिकॉर्ड की। तो इस क्वेरी के थ्रू गाइज हमें क्या मिल रहा है, इस क्वेरी के थ्रू हमें इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का रेफरेंस मिल जा रहा है इस एस एस सी ऑब्जेक्ट टू में। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली एस एस सी, तो हमें सिंपली क्या करना है, हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है मीन्स हमारा जो ये रिकॉर्ड आ रहा है इसमें से, जो कि सेल्सफोर्स न्यू वाला रिकॉर्ड है, इसका जो ये फ़ोन फील्ड है इसकी वैल्यू अपडेट करवाना है, राइट। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली हमारा रेफरेंस इसमें आ चुका है, सिंपली हमें डॉट ऑपरेटर यूज़ करना है एंड फ़ोन वाली फील्ड को एक्सेस कर लेना है। एंड फ़ोन फील्ड में आप जो भी वैल्यू मैंशन करना चाहते हैं वो आप मैंशन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 6 7 8 सिंपली चलता हूँ। तो गाइज आप ध्यान से देखो हमारा दोनों काम कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया है अकाउंट टाइप का, देन हमने एक अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसके थ्रू हम एक न्यू अकाउंट क्रिएट करवाना चाहते हैं जिसका नाम होगा एस एफ न्यू। देन गाइज सेकेंड हमने एक अगेन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है अकाउंट टाइप का, जिसमें हम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को क्वेरी करके ला रहे हैं एंड उस एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड का जो फोन फील्ड है उसमें न्यू वैल्यू मैंशन कर रहे हैं। तो गाइज अब इसका क्या करना है, अब हमें इस अकाउंट लिस्ट में इन दोनों अपडेट को ऐड कर देना है। सिंपली क्या करना गाइस, सिंपली चलते हैं, आप चाहो तो गाइस डायरेक्टली अपसर्ट एस एस सी ऑब्जेक्ट 1 एंड अपसर्ट एस एस सी ऑब्जेक्ट 2 भी कर देंगे तो भी वो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, बट गाइस वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप लिस्ट में ऐड करके ये सारे डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं। सिंपली मैं चलता हूँ अपने अकाउंट लिस्ट में एंड यहाँ पे सिंपली ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं ऐड करना चाहूँगा एस एस सी ऑब्जेक्ट 1, तो गाइस ये हमारा एस एस सी ऑब्जेक्ट 1 ऐड हो चुका है। देन गाइस अगेन मैं चलता हूँ एंड अगेन इस लिस्ट में क्या ऐड करना चाहूँगा, डॉट ऐड हमारा एस एस सी ऑब्जेक्ट 2। तो गाइस इस तरह से हमने अपने दोनों अकाउंट के ऑब्जेक्ट को इसमें ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जब हम एग्जीक्यूट करेंगे मेथड कि हमारे इस अकाउंट लिस्ट में जा क्या रहा है। तो सिंपली मैं चलता हूँ अकाउंट लिस्ट, सिंपली यहाँ पे अकाउंट लिस्ट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो गाइस हमारा सारा का सारा डेटा किस में है, इस अकाउंट लिस्ट में। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपना ये अकाउंट लिस्ट को अपसर्ट करवाना है। तो सिंपली मैं चलता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा ये जो लिस्ट है ये एम्प्टी तो नहीं है। सिंपली मैं चलता हूँ इफ़ एक्सक्लेमेशन मार्क देन अकाउंट लिस्ट डॉट इज़ एम्प्टी। तो गाइज जो ये इज़ एम्प्टी मेथड है ये चेक करेगा कि हमारा ये लिस्ट एम्प्टी है या नहीं। तो गाइज अगर ये लिस्ट हमारा एम्प्टी नहीं है, अकाउंट लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो तब जाके हमारा ये इफ़ कंडीशन के अंदर जो भी हम लॉजिक मैंशन करेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज गाइज वो एल्स पार्ट में आ जाएगा, मीन्स बाहर आ जाएगा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो गाइज सिंपली चलते हैं, करते हैं अपसर्ट अकाउंट लिस्ट। तो गाइस बेसिकली आई होप आपको समझ में आएगा कि हम कर कर रहे हैं, हम इंसर्ट मीन्स ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट एंड ये वाला रिकॉर्ड का जो फोन फील्ड है उसको अपडेट, इंसर्ट एंड अपडेट दोनों कैसे करवा रहे हैं, इस पर्टिकुलर अपसर्ट के थ्रू। अब गाइस ये डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहा है, डिफ्रेंशिएट इस बेसिस पे कर रहा है कि एस एफ नूब नाम का कोई अकाउंट तो ऑलरेडी क्रिएटेड ही नहीं है, तो इसलिए वो क्रिएट कर देगा। बट गाइस यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ये पर्टिकुलर अकाउंट एग्जिस्टिंग है, राइट। तो इसलिए जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसके पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू अपडेट कर देगा। तो गाइस इस तरह से हमारा अपसर्ट मेथड काम करता है। तो देखते हैं गाइस क्या एरर आ रहा है, एक प्रॉब्लम आ रहा है, एक्स्ट्रा कॉमा एट ए लाइन नंबर 92। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ओके तो आई थिंक मुझे इसे कमेंट करना पड़ेगा और सो गाइस सिंपली चलते हैं हम इस वाले मेथड को रन करा के देखते हैं कि हमारा ये वाला जो मेथड है ये प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं। तो गाइस सिंपली मैं चलता हूँ डिबग पे एंड ओपन एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो करता हूँ एंड सिंपली यहाँ पे अपना एपस क्लास का नाम पेस्ट करता हूँ एंड अगेन जो मेथड मुझे कॉल करना है वो मेथड का नाम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, सिंपली करता हूँ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ।
और सिंपली मैं यहाँ से अब इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देन गाइस सिंपली चलते हैं हम डिबग कॉलोनी पे। गाइस आप देख सकते हो अभी के लिए गाइस ये फिफ्थ वाला जो कंसोल आ रहा है इसे आप इग्नोर करना, क्योंकि आई थिंक इसने इस पर मैंने ऑलरेडी एक ट्रिगर लिख रखा है इसलिए एग्जीक्यूट हो रहा है बार बार, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है किससे, हमें मतलब है ये 15th लाइन पे जो ये सिस्टम डॉट डिबग हमने प्रिंट कराया है, हमें वो उससे मतलब है। हम देख रहे हैं कि ये अकाउंट लिस्ट में है क्या, जो कि अपसर्ट होने वाला है। गाइज आप देख सकते हो कि हमारे अकाउंट लिस्ट में दो अकाउंट की रिकॉर्ड है, जो फर्स्ट वन में है उसमें हम सिर्फ नेम पास कर रहे हैं सिर्फ लोग नाम से। देन गाइज जो सेकंड वाला है उसमें हम आईडी पास कर रहे हैं नेम के साथ और फ़ोन पास कर रहे हैं, तो ये आईडी और ये नेम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, बट चेंज क्या हो रहा है, फ़ोन फील्ड, इसलिए फ़ोन की फील्ड अपडेट हो जाएगी। तो गाइज अगर मैं आपको लेके चलूँ तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये वाला फील्ड हमारा अपडेट हुआ है नहीं, 1 2 3 4 5 से 5 6 7 8 हो जाना चाहिए। तो सिंपली मैं चलता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा ये जो सेल्सफोर्स नूम नाम का अकाउंट है उसकी जो फ़ोन फील्ड है ये अपडेट हो चुकी है 5 6 7 8 में। ओके तो मीन्स ये हमारा अपडेट वाला काम तो प्रॉपर हो गया। हम सिंपली चलते हैं कि हम देखते हैं हमारा ये इंसर्ट हुआ है नहीं। तो गाइस आप देख सकते हो ऐसा नूम नाम का जो हमारा रिकॉर्ड है ये इंसर्ट हो चुका है, जो कि हमने अभी के अभी मैंशन किया था। तो गाइस इस तरह से हमारा अपसॉर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मीन्स सिंपली उसका मतलब क्या है कि अगर आपका रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग है उसके पास कोई रिकॉर्ड आईडी नहीं है, तो एक न्यू रिकॉर्ड आईडी वो एक न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा। एंड अगर गाइस अगर आप एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड का आईडी पास कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर आईडी का उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का वो फील्ड अपडेट कर देगा जो भी आप चेंज करोगे। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आप अपसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो अपने एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपके डाउट्स। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।